हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ब्रेकफास्ट टू डिनर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीलंकन स्टाइल पिज़्ज़ा ऑमलेट। तो ये बनाने में जितना इजी है, खाने में उतना ही टेस्टी है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है और पूरे वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल रखा है। तेल गरम होते ही मैं इसमें डाल दूंगी करी पत्ता और थोड़ा सा हरी मिर्च। फ्राई कर लूंगी अच्छे से, उसके बाद ही मैं इसमें डाल दूंगी कटा हुआ प्याज। अब इन सबको अच्छे से फ्राई कर लूंगी थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर चॉप किया हुआ। डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, मिक्स कर दूंगी और हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। अब देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है, हल्का सा फ्राई भी हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे, अभी इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने अंडा ले लिया है, 4 अंडा ले लिया है। उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी और ये जो फ्राई करके रखा था इसको डालने के बाद अभी मैं इसको हल्का सा बीट कर लूँगी, जैसे ऑमलेट बनाते हैं वैसे ही। ये मिक्स हो चुका है तो अभी सेम पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके जो बैटर बना के रखा था उसको मैं पूरा एक साथ डाल दूंगी। तो इसको धीमे आंच पे पकाना है जब तक ये ऊपर तक जम ना जाए। 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। 2 मिनट बाद अब देखिए ऊपर से हल्का सा कुक होना बाकी है। फिर से 1-2 मिनट के लिए इसको ढक दूंगी। अब देख सकते हो ऊपर का जम चुका है। इस टाइम पे मैं इसमें कटा हुआ कैप्सिकम डाल दूंगी ऐसे सजाकर। आप चाहो तो चॉप करके भी डाल सकते हो। और ऊपर से डाल रही हूँ चीज़। अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हो। इस टाइम पे गैस को ऑफ रखना है। ऊपर से डालूंगी ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स। और इसके बाद गैस को ऑन करना है और फ्लेम को लो रख के इसको ढक के पकाना है जब तक ना चीज़ मेल्ट हो जाए। ये देखिए चीज़ मेल्ट हो चुका है तो अभी मैं इसको सर्व कर लूँगी। इसको पिज़्ज़ा के जैसा ऐसे कट करके आप खा सकते हो चटनी के साथ या सॉस के साथ। बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला टेस्ट आता है इसमें से। एक बार घर पे ज़रूर बनाइएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।